हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग के साथ। सुबह के बजे हैं 4:30। हम आए हैं घेर में, मैं और बबली, क्योंकि अभी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं हुई है। मम्मी को इन्फेक्शन है पेट में, तो हमने सोचा कि मम्मी चलो आप आराम कर लो, तो हम दूध निकालने के लिए आए हैं। देखिए बबली ने, बबली क्या कर रहा है इधर को। देखिए एक गाय का दूध निकाल लिया है। लाइट कम है यहाँ पे, उधर लाइट ज्यादा है, थोड़ा यहाँ पे अंधेरा ही रहता है, ये परेशान। इसे दूर को बांधना पड़ेगा, खुल जाता है। इसे घास खाना होगा। क्या करें ये ऐसे? बहुत बढ़िया पी लिया इसने, चलो बांध दो। आओ लड़के, तेरा रोज मौसम भी है। आओ ज्यादा दूध नहीं पिलाना इसे, अब निकाल लूंगी दूध बड़ी गाय का। अभी तो छोटी गाय का निकल रहा है, ये हमारी बड़ी गाय है। चलिए दोस्तों आपको दिखाती हूँ, चलो साइड में कर दो। ये नैना लगवाती है, पूंछ भी बांध ले क्योंकि ये मुझे बहुत पूंछ मारेगी। हश हो गई, कोई क्या देगा इस गाय को? कल नुआई थी, इतनी गंदी गाय है हमारी, बहुत अपने खुद पर पूरी बहुत गंदी है। मम्मी ना छुप छुप कर रो जा, कहीं ना कहीं बैठ के घेर में, आगे घेर में बैठ के रो जा, गरीबी इधर उधर जाके चुपचाप सी बिल्कुल। और होली के टाइम पे तो ज्यादा ही मतलब कि इस तरह की बात तो सोच के कि ये होता वो होता ये होता, ऐसे सोच सोच के ना वो तबीयत ही खराब होगी, पेट में इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जा। बस 2 मिनट रुक, बस खड़ी रहो 2 मिनट। जा देख रहा लगी अब तो यार, गाय का दूध मैंने तेरा ही करता, अन्य मैंने कभी अपने घर गाय का दूध नहीं करता।
ये प्याज भी तो लतरी की तरह रखती है। हमेशा, कभी कभी तो हो जा कि चलो भाई कभी कभी हो जा, पर हमेशा प्याज छोटी छोटी है इसके, गिरने को ही रहे। बाद में से चुभती नहीं है, बस हम जबरदस्ती छोड़ ही दें। हाँ बाद में से चुभती नहीं तो आइए, बट अभी होगा ना, घास खाता है हम, कितनी जरूरत नहीं है। बड़ा तो यो शायद ये 6 महीने का ना होगा, वो 5-6 महीने का। हाँ 1 मिनट में सारा कुछ चुम रहा है वो, जब बड़ा हो रहा है। देखा मिस्टर दांत मारने पे रही ठंड जाता है इसके। अब आराम से घास खाओ, पहले तो ये 4 बजे उठ के घास कर गए जब गई थी, फिर मुझे उठा के लाई कि चल दूध निकाल लिए, 4:30 बज गए थे। तो वह है हमारी दोनों गाय का दूध, ये हमारी छोटी गाय का दूध है और ये हमारी बड़ी गाय का दूध है। देखिए दोस्तों, ये गुस्से हम कल भर के लाए थे, ये पूरा जो हमारा एक गिटोड़ा था तो उसे हम कल सारा उठा के ले आए। भूस का कमरा है, इसमें भूस डालते हैं, और कुछ हमने ये जिन्ने के नीचे है ना ये जगह थोड़ी सी यहाँ पे डाल के, देखिए यहाँ पे भी गुस्से ही हैं। कल अकेली ने लगाई थी ये सब कुछ, अकेली ने ही करा था और ये थे मेरे साथ में, क्योंकि मम्मी ठीक नहीं है ना, मम्मी का जो भी काम होता है ना वो सब मुझे करना पड़ता है, मैं ही करती हूँ। चलिए अब जब घर जाती हूँ, आज जाएंगे बच्चे स्कूल में तो उनकी यूनिफॉर्म पे मुझे प्रेस भी करनी है और उनके लिए नाश्ता भी बनाना है। पब्ली वो दही निकाल दो थोड़ी सी, मैं चाय नहीं पीने का फिर। हाँ रोज निकाल देगा दही, चाय से तो अच्छा है। दही तो रोज निकाल दो, पीने वाले चाहिए। मैं फ्रिज में रख दूंगी, ध्यान करके बता दियो या बुला दियो, कभी चाय के चक्कर में रह जाओ चाय पियो बस। ठीक है अब इसमें डालती हूँ मैं ये बर्फ, क्योंकि गर्मी होने लगी ना तो ये बर्फ थोड़ी के इसमें डाल लूंगी और दही लगाऊंगी। ये छाना पड़ जाएगा तुम्हारा घर पे ना, कोई उठ रहा कोई भी, सब सो रहे, दिन निकले उठेंगे 6:30-6 बजे उठेंगे। हाँ निकलेंगे उठेंगे, इसमें ऐसे दही लगाते हैं और ये तार इस बोर्ड में लगाऊंगी। आ जाइए आप भी मक्खन खाइए, जब मैं मक्खन निकाल लूंगी, गरम गरम रोटी मक्खन के साथ।
सुबह ही गई इसलिए लगानी पड़ती है क्योंकि 6:30 बजे लाइट चली जाएगी। अब फिर आएगी हमारे यहाँ 10:30-11 बजे लाइट, उस बीच में मट्ठा पीना भी पड़ता है, तो इसी वजह से पसर में ही यानी कि 4:30-4 के बीच में ही रही लगा लेते हैं। कभी तो मम्मी लगा देती है, कभी मैं लगा देती हूँ। ये मैं इसलिए बांध दी, ये ना जब इसे चलाऊंगी इधर इधर भाग नहीं करनी, एक जगह ही रहेगा। हो गया ना पीट? और देखें ये तो आके लेट गए और बच्चे अभी सो रहे, ये मिस्टी सो रही और इधर ये मिक्की सो रहा। मुझे करनी है प्रेस इनकी यूनिफॉर्म पे क्योंकि आज हमारे बच्चे जाएंगे स्कूल में होली के बाद। होली के बाद पहला दिन है ना। दोनों बहन भाई की यूनिफॉर्म है ये ब्लू कलर की। विमल ने वो नहीं वो सूट नहीं दिया खोलना, वो कट। हाँ।